हमारी जो एक्सरसाइज है वो 16 घंटे चल रही है। हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हुआ है 19 सेमी, और विकर्ण की लंबाई दी हुई है 11 सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो विकर्ण की लंबाई दी है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² + B² + H² इसका जो मान दिया हुआ वो दिया हुआ 11। इसका वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा तो स्क्वायर नहीं रूट हटेगा, स्क्वायर करेंगे तो L² + B² + H² 11 का स्क्वायर हो जाएगी 121। फिर हमें दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, कितना दिया हुआ है 19 सेमी। इसका वर्ग करेंगे ये समीकरण नंबर 1 है, और एक करेंगे तो L + B + H और स्क्वायर बराबर 19 की स्क्वायर। इसका सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगाएंगे तो A + B + C और उसका सूत्र लगाएंगे, पहले की स्क्वायर फिर दूसरे की स्क्वायर फिर तीसरे की स्क्वायर L² + B² - H² फिर 2AB यानी 2LB 2BH +2HL 19 के स्क्वायर 361। L² - B² - H² का मान समीकरण 1 से देंगे 121। ये देखिए 121 + 2 कॉमन लेंगे तो आएगा LB BH HL बराबर 361। 2LB BH HL क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीन सौ इकसठ 121 इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 240 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 6 सेमी भुजा वाले वर्गाकार कमरे में 180 मीटर घन मीटर हवा, 180 घन मीटर हवा है तो कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई निकालेंगे। हमारे पास सूत्र क्या होता है आयतन का, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मान दिया हुआ 180, लंबाई चौड़ाई यानी 6 मीटर बुझा दी है, 6 × 6 वर्गाकार लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, एस बराबर हो जाएगा 180 × 6 = 36। एस का मान निकालेंगे तो 180 में 36 का भाग देंगे तो 5 × 36 = 180 = 5 मीटर। प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 22 सेमी 10 सेमी 7 सेमी मापों की माप के कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या निकालनी है। ईंटों की संख्या क्या होगी, दीवार का आयतन, बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मीटर में दी हुई है तो इनको सेमी में एक इकाई में कर लेंगे, 44 मीटर तो 4400, 1.5 है तो 150, और ये है 35, क्या जाएगा 22 × 10 × 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 22 × 10 = 22 से काटेंगे 22 × 2 = 20, 20 × 100 को गुणा करेंगे 150 से तो 15000, 15000 ईंटे। प्रश्न नंबर 9 में है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, एल का मान है 9 10 मीटर, बी का मान चौड़ाई का जो मान है वो है 8 मीटर, ऊंचाई का जो मान है वो है 6 मीटर, छड़ की लंबाई निकालनी है।
वीकेंड की जो लंबाई होगी वो होगी लंबी से लंबी छड़ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इनका मान रख दें 10 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर 100, 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36, इनको जोड़ेंगे तो 200, और रूट 200 का जो मान होगा वो होगा 10√2 मीटर। अगर हम दशमलव निकालें तो √2 का मान रख देंगे 1.414, बराबर हो जाएगा 14.14 मीटर। हो गया, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, घन का आयतन क्वेश्चन नंबर 10 घन का आयतन दिया है 512 घन मीटर मीटर क्यूब। इसकी भुजा निकालनी है तो घन का आयतन का सूत्र क्या होगा, भुजा की घात 3 बराबर 512। भुजा का मान निकालेंगे तो क्यूब बटाएंगे इस साइड में आएगी तो 1/3। भुजा का मान निकालेंगे 512 का घनमूल निकालेंगे तो आएगा 8 मीटर। घन के तो बुझा गई वो आ गई 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, ईंट की माप दी है, ईंटों की संख्या निकालनी है, सेम वही क्वेश्चन नंबर 8 जैसा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दीवार की दी है, ईंटों की संख्या निकालनी है, तो ईंटों की संख्या बराबर 8 होगी दीवार का आयतन 1 का आयतन। दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है, ईंट की जो विमाई दी हुई वो सेमी में दी हुई है, तो मीटर को सेमी में बदल लेंगे 500 हो जाएगा, 30 सेमी है और 3 मीटर है तो 300 देगा, 8 की जो माप दी है 20 × 10 × 7.5। अब 2 0 से 2 0, 7.5 को 30 से काटेंगे तो 4 बार और 2 से काटेंगे तो 2, 5 × 2 = 10, 10 को 30 से 300 से गुणा करेंगे तो 3008। क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात एल अनुपात बी अनुपात एच दिया हुआ है 5:3:2। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिया हुआ है 558 सेमी स्क्वायर। इसकी भुजाओं की माप निकालनी है हमें, कोणों की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान निकालना है, तो मान लेंगे माना लंबाई एक्स लगा देंगे 5x सेमी, चौड़ाई आ जाएगी 3x सेमी, ऊंचाई आ जाएगी 2x सेमी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो इसका सूत्र लगा देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, इसका मान दिया 558। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रख देंगे, 2 लंबाई चौड़ाई का मान है 5x × 3x + 3x × 2x + 2x × 5x = 558। वो गुणा करने 5 × 3 = 15x² 3 × 6x² 5 × 10x² बराबर 558। इनको जोड़ लेंगे 15 × 6 = 21 10 = 31 2 × 31x² 558 1 × 62 =
58। एक्स स्क्वायर का जो मान निकालेंगे तो 558/62। एक्स स्क्वायर कितने बार देगा? 9 बार। एक्स का मान का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट नौ, और रूट नौ का मान क्या होगा? 3। आप लंबाई थोड़ा टाइम सही निकाल दो, पता है लंबाई कितनी हो गई? एक्स का मान 3 है, 3 × 5 = 15, चौड़ाई 3 है, 3 × 3 = 9, और ऊंचाई कितनी है? 2 है, 2x तो 2 × 3 = 6। ये हो गया हमारी प्रश्नावली।